देवली एक्सटेंशन हत्याकांड का हुआ भयावह खुलासा। पुलिस ने बताया कि घोड़ी चढ़ने से पहले दूल्हे की उसके ही पिता ने की निर्मम हत्या। पिता ने ही धारदार हथियार घोप कर बेटी की छाती छलनी कर दी। दिल्ली पुलिस ने हत्यारे पिता को किया गिरफ्तार। जो पिता अपने बेटे में खुद का भविष्य देखता हो, वही पिता अपने ही बेटे के विवाह के एक दिन पहले उसकी निर्ममता के साथ हत्या कर दे, ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन भीतर तक झकझोर देने वाली ये घटना देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां एक पिता ने अपने ही सगे बेटी की हत्या उसके विवाह से ठीक एक दिन पहले कर दी। घटना दक्षिण दिल्ली की है, जहां पर 7 फरवरी को खबर आई कि शादी के चंद घंटे पहले ही एक युवक की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिसिया जांच पड़ताल में जो खुलासा हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस ने खुलासा किया कि पिता ने ही अपने बेटे को मार डाला है। यह वारदात ऐसे समय पर की गई जब घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लोग नाच गाने में व्यस्त थे। घटना के बाद परिवार वालों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि जिस रात घटना घटी उस रात 10 बजे के करीब कुछ युवक गौरव को देवली एक्सटेंशन स्थित राजू पार्क वाले घर से बुलाकर उसके दूसरे मकान में ले गए थे, जहां पर गौरव के पिता रंगलाल ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार से गौरव के चेहरे और छाती पर करीब 15 बार किए, जिससे गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। जांच में पता चला कि मृतक गौरव व उसके पिता के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। काफी समय पहले गौरव ने पिता को विवाद के दौरान थप्पड़ मार दिया था। बेटे से पिटने के अपमान से खार खाए बैठे पिता रंगलाल ने बेटे से बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन बेटे की शादी के चंद घंटे पहले दूसरे मकान में बुलाकर दोस्तों के साथ मिलकर मार डाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।